छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो अपडेट निकल कर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले फिर से होगा आप लोगों के लिए सीजी टेट एग्ज़ाम। जो है आम सभी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी अपडेट्स निकल कर आ रहा है। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने सीजी टेट का एग्ज़ाम दिया था। 21 अक्टूबर को जो है सीजी टेट का रिजल्ट जो है आ चुका है और बहुत से स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है नहीं हुआ और सीजी टेट एग्ज़ाम में वो फेल हो गए हैं। अब आप ऐसे हर एक स्टूडेंट जिनका सपना था टीचर बनना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है 3 साल के इंतजार के बाद आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में 12,489 शिक्षक भर्ती निकला है और ऐसे में अगर सीजी टेट एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई नहीं होता तो आप ऐसे हर एक स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, फ्रस्ट्रेशन है, मेंटली डिप्रेशन में चले गए, यार हमने इतने मेहनत से जो है पढ़ाई किया और ऊपर से हमारा सीजी टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया, सेल्फ स्टडी किया, रूम किराया रूम रेंट में लेकर पढ़ाई किया, इतने मेहनत किया, इतना पैसा खर्च किया, सब चीज़ चला गया लेकिन हमें रिजल्ट अच्छे से देखने को नहीं मिला, हमारा सीजी टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं हुआ। अब यही चीज़ें सोच सोच कर आप ऐसे हर एक स्टूडेंट जो है परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि शुरू में सीजी टेट के लिए लगभग 7.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने आवेदन किया था, उसके बाद 2,31,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम देने ही नहीं पहुंचे। 2,31,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास नहीं तो बीएड और ना ही उन्होंने डीएलएड का कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया था, बस उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया था और फॉर्म फिलअप किया था, इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता था क्योंकि बीएड और डीएलएड आपका जो है कंपलसरी था, होना था। लेकिन 4.5 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया और 18 सितंबर को आपका सीजी टेट का एग्ज़ाम्स हुआ था और 18 सितंबर को जो है आपका एग्ज़ाम्स हुआ और 6 अक्टूबर को जो है मॉडल आंसर जारी हुआ और फाइनली जो है 21 अक्टूबर को जो है आपका रिज़ल्ट जो है आ चुका है। अब आप जैसे हर एक स्टूडेंट ने अपने रिज़ल्ट देख लिया है और रिज़ल्ट में सुजीव व्यापम ने बताया है कि अगर आप पात्र हैं, सीजी टेट आपका क्वालिफाई है तो एलिजिबल दिखाई देगा और आपका यदि सीजी टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं है, आप अपात्र, तो उसमें आपका अपात्र नॉट एलिजिबल जो है दिखाई देगा। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है परेशान चल रहे होंगे, तो आपको बताना चाहता हूँ कि आपको परेशान होने की या घबराने की या उम्मीद छोड़ने की, गिवअप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो 12,489 शिक्षक के वैकेंसीज आया है, ये अभी भी आप लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वो कैसे आपको बताना चाहता हूँ, 20 अक्टूबर को जो है सी टेट के लिए जो है नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए। तो आपको बताना चाहता हूँ कि सी टेट के लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। सी टेट के लिए आवेदन जो है 31 अक्टूबर से चालू हो जाएगा जो आपका 24 नवंबर तक जो है चलेगा। 31 अक्टूबर से हम जो आवेदन करेंगे, 24 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है। और आपको बताना चाहता हूँ इसके क्राइटेरिया के बारे में, तो इसमें आपका जो है बीएड कंप्लीट जो है होना चाहिए और इसके साथ पेपर वन की फ़ीस की बात करें तो यदि हम जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 1200 रुपये फ़ीस लगेगा। पेपर टू के लिए जो है 1000 रुपये का शुल्क लगेगा। वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले हैं तो 1200-1000, लेकिन यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो पेपर वन के लिए 600 रुपये का शुल्क, पेपर टू के लिए जो है 500 रुपये का शुल्क, इस तरह से आपका जो है शुल्क लगेगा। और इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि सी टेट का जो एग्ज़ाम्स होना है वो आपका जो है सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको कहीं मार्कशीट जो है दिखाई नहीं देगा, आप जब एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे आपको एक एक कंप्यूटर दिया जाएगा, वहाँ पर क्वेश्चन आएगा और आज प्रत्येक क्वेश्चन का जो है 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें आपको जो है टिक करना है और उसके बाद सबमिट करना है। इस तरह से आपका जो है सी टेट का एग्ज़ाम जो है आयोजित होगा। तो आपको परेशान होने की क्यों बात है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, जब आप लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो है सी जी टेट के लिए जब नोटिफिकेशन आया था छत्तीसगढ़ के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, तो आप लोगों के पास सिर्फ कितने दिन था, सिर्फ 25 से 28 दिनों का ही टाइम था जब सी जी व्यापम ने जो है सी जी टेट का जो है नोटिफिकेशन जारी किया कि 18 सितंबर को एग्ज़ाम होना है करके, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ 25 से 28 दिनों का समय था। तो आप सोचिए ना, आप लोगों ने सीजी टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है 25 से 28 दिनों में जो है इतने अच्छे से जो है आप लोगों ने तैयारी किया कि आपका सिलेक्शन होने से 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर या 10 नंबर से आपने चुका है, वरना आपका जो है सीजी टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो गया होता है, क्योंकि एससी एसटी और ओबीसी का डिग्री वाले स्टूडेंट को एग्ज़ाम में 50% अंक लाना था, यानी कि 75 नंबर में आपका सिलेक्शन था। वहीं यदि आप जनरल कैटिगरी वाले स्टूडेंट थे तो आपको 60% अंक लाना था, यानी कि 90 नंबर में आपका सिलेक्शन होने वाला था और आपने काफ़ी अच्छे से मेहनत किया। जो एससी एसटी और ओबीसी का डिग्री वाले स्टूडेंट हैं, किसी का 65 नंबर आए तो किसी का 70, तो किसी का 72, तो किसी का 74 नंबर भी आए, 1 नंबर से चुके हैं। वहीं जनरल कैटिगरी वाले स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से मेहनत किए हैं, किसी स्टूडेंट का जो है 85, तो किसी का 75, किसी का 80,
इस तरह से उन्होंने स्कोर किया था और अपने जी जान हार्डवर्क करके जी तोड़ मेहनत करके एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन किया और एग्ज़ाम दिया। तो सोचिए ना, आप जो है 25 से सिर्फ 28 दिनों में एग्ज़ाम की इतने अच्छे से तैयारी आपने किया, तो आप लोगों के पास तो अभी समय है। आप लोगों के पास आपको बताना चाहता हूँ, 14-15 दिसंबर को आपका जो है एग्ज़ाम्स होना है। अभी आपका एग्ज़ाम्स नहीं होगा तो सोचिए आप लोगों के पास जो है 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में आप जो इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप सोचिए 25 से 28 दिनों में आपने जब CGTET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया, तो 2 महीने का समय है, तो 2 महीने में आप तो CTET एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेंगे। और अगर आप एक बार यदि CTET एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी भी TET एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। TET एग्ज़ाम आप आसानी से जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि CTET जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। सिर्फ एक ही बार आपको एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई करने की जो है देरी है, और इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है परेशानी जो है नहीं होगा। तो CTET एग्ज़ाम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो CTET के लिए यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। CTET जो है बहुत ही अच्छा बेस्ट कोर्स होता है, आपको हर एक चीज़ों के बारे में जो है कंप्लीट डिटेल्स जो है नॉलेज देखने को मिलता है। CTET काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आप लोगों के लिए बेनिफिट्स होता है। तो CTET एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है अवश्य रूप से कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन जो है देखने को मिल जाए। और एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, CTET जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसकी वैलिडिटी ऑल टाइम लाइफ टाइम रहता है, और CGTET की वैलिडिटी जो है केवल 7 साल तक रहता है। 7 साल तक ही इसकी वैलिडेशन देखने को मिलता है। तो CTET काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल जो है CTET का एग्ज़ाम जो है आयोजित होता है, तो CTET एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन आप जो है कर सकते हैं। हर साल जो है दिसंबर में जो है CTET एग्ज़ाम जो है आयोजित होता है। तो इसी तरह से आप जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर जो भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को जानकारी जो है सबसे पहले मिल सके। और आप लोगों का कोई भी डाउट्स रहते हैं, कोई भी प्रश्न रहता है तो आप मुझे बेझिझक जो है कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई वीडियोस गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे, और मैं आप लोगों को एजुकेट करता रहूँगा। तो आप लोगों को न्यू वैकेंसीज न्यू न्यू गवर्नमेंट जॉब के बारे में अगर जानना है तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आप लोगों को मैं नई वैकेंसीज के बारे में जो है जानकारी और अच्छे से वीडियो जो है आप लोगों को दे सकूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को जानकारी जो है सबसे पहले मिल सके। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट्स रहता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो मेरी वीडियोज़ को डेली रेगुलर बेस पर देखते हैं, लेकिन आप जो है मेरे चैनल्स को ही सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आता है, कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक जो है अवश्य किया कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस इसी नई एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए नई वीडियोस आप लोगों के लिए मैं जो है लेकर आ सकूँ। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, सो थैंक यू।